अमेजोन जंगल ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये जंगल इतना बड़ा है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। जब ये जंगल इतना बड़ा है तो जाहिर है कि इसमें कई अनसुलझे रहस्य छिपे होंगे। तो आइए कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। जायंट स्नेक, अमेजन के वर्षा वनों में कई बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सांप पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है जायंट स्नेक। अगर ये सांप आपको काट ले तो आपके शरीर के हर एक छेद से खून निकलने लगेगा और कुछ ही देर में आपकी मौत हो जाएगी। एनाकोंडा, ये जंगल एक से बढ़कर एक खतरनाक सांपों के लिए जाना जाता है, जिसमें एनाकोंडा जैसे विशालकाय सांपों का भी नाम दर्ज है। लगभग 30 फीट की लंबाई वाला ये सांप जहरीले तो नहीं होते, लेकिन इतने विशालकाय होते हैं कि अपने शिकार को अपनी कुंडली में जकड़कर मौत के नींद सुला देते हैं। लेकिन अमेजोन जंगल के आसपास रहने वाले लोगों की माने तो इस जंगल में एनाकोंडा से भी बड़ा सांप का बसेरा है, जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा है। टाइटेनोबोआ, अमेजोन जंगल में बहुत से बड़े एनाकोंडा पाया जाता है, लेकिन टाइटेनोबोआ के सामने बड़ा से बड़ा एनाकोंडा भी बच्चा दिखता है। टाइटेनोबोआ अभी अस्तित्व में मौजूद नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सांप आज भी अमेजोन के जंगल में मौजूद हो सकते हैं। बॉइलिंग रिवर, आपने कई नदियों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे नदी के बारे में सुना है जो हमेशा 50 से 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है? और ये नदी दक्षिण अमेरिका के अमेजोन जंगल में पाई जाती है। इस नदी की लंबाई 4 मील और चौड़ाई करीब 25 मीटर है, और ये नदी हर समय उबलता रहता है। और हैरानी वाली बात ये है कि इस नदी के आसपास कोई ऐसी ज्वालामुखी या फिर ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण इस नदी का तापमान बढ़ सके। मिस्टीरियस ट्राइबस, अमेजन जंगल में सिर्फ रहस्यमय जीव जंतु ही नहीं बल्कि खतरनाक आदिवासी इंसान भी रहते हैं। इनका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि इंसानों को भी मारकर खा जाते हैं। जायंट सेंटीपीड, ये बहुत ही आक्रामक और विषैला कीड़ा है। ये हमारे आसपास पाए जाने वाले कीड़े से कहीं ज्यादा विषैला है, जो लगभग सभी कुछ खा जाते हैं। इनका जहर हम मनुष्यों के लिए भी जानलेवा है। वॉकिंग ट्री, चलने वाले पेड़ों के बारे में आपने सिर्फ फिल्मों में ही सुना होगा, लेकिन ये कोई काल्पनिक पेड़ नहीं है। ये रहस्यमय पेड़ अमेजन के जंगल में पाया जाता है, हालांकि इनके चलने की रफ्तार काफी धीमा होता है। बुलेट एंट, अमेजन के जंगल की बात हो रही हो और इस चींटी के बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जितने छोटे हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। ये चींटी इतनी ज्यादा घातक है कि एक बार किसी को काट ले तो उसे गोली लगने जितना दर्द होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजन जंगल के कुछ आदिवासी कबीलों के पुरुष अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए खुद को इन चींटियों से कटवाते हैं। पॉइजनस फ्रॉग, अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेंढक भी पाए जाते हैं। रंग बिरंगे ये मेंढक दिखने में तो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, लेकिन ये मेंढक इतना खतरनाक है कि इसके एक बूंद जहर 10 लोगों को मार सकता है। जायंट स्पाइडर, अमेजन जंगल में रहने वाले आदिवासियों का ऐसा मानना है कि इस जंगल में काफी विशाल मकड़ियों का बसेरा है, जिनकी लंबाई लगभग 6 फीट के आसपास होती है। इतना ही नहीं, इस आदिवासियों की माने तो ये मकड़ियाँ इतने खतरनाक होती है कि जरूरत पड़ने पर अपने बच्चों तक को मार डालती है। लेकिन इन मकड़ियों के अस्तित्व को लेकर कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। घोस्ट बर्ड, अब आप ये फोटो देखिए, क्या दिख रहा है आपको? आप कहेंगे कुछ नहीं, एक सूखी हुई पेड़ की टहनी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर एक पक्षी छुप के बैठा है। इस पक्षी का नाम पुटू है। जुबिटी कावा फ्रूट, अभी आप जो देख रहे हैं वो दिखने में भले ही डरावना लग रहा होगा, मानो कोई चीज पेड़ से पोषक तत्व चूस रहे हो, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। ये एक अनोखा फल है जो पेड़ की टहनियों पर ऐसे फलते हैं मानो जैसे किसी पैरासाइट का हमला हो। इसे जुबिटी कावा के नाम से जाना जाता है। इसका स्वाद अंगूर की तरह होता है और इसे आप कच्चा भी खा सकते हैं। विक्टोरिया अमेजोनिका, इस फूल की पत्ती बहुत ही बड़ी और विशाल होती है, जिस पर कोई इंसान आसानी से खड़ा हो सकता है, लेकिन सावधान, इस पत्ती पर बहुत से नुकीले कांटे होते हैं। इसे विक्टोरिया वाटर लिली भी कहते हैं। पिराना फिश, समुद्र के सबसे बड़े राक्षसों में से एक पिराना मछली को अमेजोन के जीवों का सबसे बड़ा काल माना जाता है। ये समुद्र के साथ साथ अमेजोन नदी में भी रहती है। इस मछली के दांत और जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि इनके एक झुंड एक बड़े हाथी को भी कुछ ही मिनटों में चीथड़े उड़ाकर खा सकती है। वैसे तो पिराना इंसानों पर हमला नहीं करती, लेकिन ये खून के स्वाद को काफी अच्छी तरह पहचानती है। तो दोस्तों, ये था अमेजोन जंगल के रोमांचक सफर। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।
करें। और ऐसे ही राशियों के जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।